हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भूमिका की किचन। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही हेल्दी सूप की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये जो सूप है इसको मैंने रागी के आटे से बनाया है। तो अगर आपको ये मेरी हेल्दी सूप की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए ये हेल्दी सा सूप बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ वेजिटेबल्स को बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने ये कैबेज लिया है, प्याज ली है, थोड़ी सी हरी मिर्च और लहसुन, बीन्स लिया है, कैप्सिकम लिया है और गाजर ली है। तो यहाँ पर आपको जो भी वेजिटेबल्स पसंद हो उसे आप ले सकते हैं और जो नहीं पसंद है उसे आप स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने हाफ कटोरी से थोड़ा कम रागी का आटा लिया है और उसी कटोरी से एक कटोरी पानी लिया है। अभी इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके इसका एक बैटर बना लेंगे। तो रागी के आटे में लम्स बिल्कुल भी नहीं पड़ते हैं और ये बहुत अच्छी तरह से पानी में मिक्स हो जाता है। तो अभी इसको हम अच्छे से मिक्स करके एक साइड में रख देते हैं। यहाँ पर गैस में मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें मैंने 1 टेबल स्पून बटर डाला है और 2 टेबल स्पून के लगभग ऑयल डाला है। आप चाहें तो इसे पूरा बटर से भी बना सकते हैं या ऑयल से। जब हमारा ऑयल मेल्ट हो जाएगा तब इसमें मैंने बारीक बारीक चॉप किया हुआ लहसुन डाल दिया है। अगर आप अदरक यूज करना चाहते हैं तो उसे भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने हरी मिर्च भी डाल दी है और अब इसमें हम बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। हमें प्याज को यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हमें उसे हल्का सा ट्रांसलूसेंट करना है। जब हमारी प्याज हल्की सी पक जाएगी तो इसमें हम कैप्सिकम, बीन्स और कैरेट डाल देंगे। इसके बाद हम गैस की फ्लेम को हाई करके इसको लगातार चलाते हुए 2-3 मिनट पकाएंगे, जिससे कि हमारी सब्जी पक जाए और बिल्कुल सॉफ्ट ना हो, इसमें क्रंचीपन बना रहे। लास्ट में इसमें हम बारीक बारीक चॉप किया हुआ कैबेज डाल देंगे, क्योंकि कैबेज को पकने में बहुत कम टाइम लगता है। इसे अगर हम पहले से डाल देंगे तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। अगर आप इसमें कॉर्न और मटर डालना चाहते हैं तो उसको भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें हम उसी कटोरी से 4 कटोरी पानी डाल देंगे और इसको हम बॉईल होने देंगे। और जब ये बॉईल होने लगेगा तो हम इसमें रागी वाला बैटर डाल देंगे और इसके बाद हम इसको लगातार चलाते रहेंगे, वरना ये नीचे लगने लगेगा। आपको इसको जितना गाढ़ा या पतला रखना है उस हिसाब से पानी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये बॉईल होने लगा। तो इसको हमें लगभग 3 से 4 मिनट इसी तरह से बॉईल करना है, जिससे कि हमारा रागी का आटा अच्छी तरह से पक जाए। तो अभी तक मैंने इसमें नमक नहीं ऐड किया था, तो अब इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। और इसमें मैंने काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। आप अगर इसको थोड़ा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो इसमें सॉसेस वगैरह ऐड कर सकते हैं, सेजवान चटनी ऐड कर सकते हैं, जो जो भी आपका मन हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा रागी का सूप रेडी हो गया, हेल्दी सा। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये हेल्दी सा रागी का सूप आप ज़रूर बनाइएगा। थैंक यू।